चीज़ें जो उनकी मेरी टेंडर हो गई हैं। अब इसको मैं पानी स्ट्रेनर में डालूंगी ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और इसके इन्ग्रीडियंट कुछ इस तरह है, दो टमाटर है मीडियम साइज़ की और एक प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया, तीन चार सब्ज मिर्ची है, एक चम्मच तिक्का मसाला है, आधी चम्मच नमक है क्योंकि नमक मैंने मैकरोनी में भी ऐड किया, आधी चम्मच हल्दी की, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा जो है क्रश किया हुआ लहसुन। अब ये थोड़ी सी मैं इसमें कैरेट डालूंगी और थोड़ी सी कैप्सिकम डालूंगी जी, शिमला मिर्च और गाजर डालूंगी, तो साथ ये जी थोड़े से एक दो दो चम्मच जो है सॉसेज ऐड करूँगी, जिस तरह ऐड करूँगी वो साथ आपको बताती हूँ। अभी मैं इसको स्ट्रेनर में डालती हूँ ताकि इसका पानी सारा स्ट्रेन हो जाए, फिर ऑयल डाल के तो ये सारी वेजेस डाल के तो आपके साथ साथ इसको सुन रख दें। लहसुन चॉप किया हुआ इसमें ऐड किया, साथ में प्याज ऐड कर दूँगी, कोई मसाले ड्राई साबुत मसाले वगैरह जीरा कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, इसी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ में टमाटर डाल देंगे, हमने बस इसकी थोड़े से ना कलर चेंज करना है, साथ ही कलर चेंज करके ऐड कर दें। इसके हल्का से ना थोड़ा सा उसका पानी ड्राई हो गया, इसमें मैं दूसरे गर्म खाने आता है। ड्राई मसाले मैंने अभी आपको जो मेंशन कर दिए, ये सारी इसमें डालूंगी, टिक्का मसाला एक चम्मच, आधी चम्मच ब्लैक पेपर, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी की है और एक चम्मच मुझे चिली फ्लेक्स है, ये डाल दूँगी। बहुत अच्छी चीज़ की खुशबू आ रही है, आपने इसी तरह ये मसाले बना लिया जिस तरह मैंने आपके साथ बताया, और जिस तरह आपसे आपके पास क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप इसके इन्ग्रीडियंट बढ़ा लें। तो दो चम्मच इसमें डाल दूँगी जी चिली सॉस, एक चम्मच डाल दूँगी बारबेक्यू सॉस, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये भी गरम मसाला में कुछ देंगे। सोया सॉस ऐड कर दीजिए, 10 मिनट में ना अगर आपकी वेजी रेडी हो तो 10 मिनट में ये आपकी मैक्रोनी जो होती है ना वेजी रेडी हो जाती है। इसमें मैं डाल दूंगी ये गाजर, साथ ही शिमला मिर्ची जो होती है ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसको मैक्रोनी के साथ ही ऐड करूँ। और मटर को जो है मैंने इकट्ठी उबाल लिया था ताकि मटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हमारा टाइम जो होता है वो बचे। अब पानी जो है ना कि थोड़ा सा जूस भी तो सॉसेज डाले, थोड़ा सा पानी डाला है माइनर सा, तो सब इसके साथ ही डाल दूँगी ताकि ये भी हमारे जो है ना ये थोड़ा जूसी से बन दे, हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना। साथ में शिमला मिर्च ऐड करूँगी, इस टाइम भी आप नमक में चेक कर लें इस तरह की पसंद करते हैं। और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें, सलामत रहें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूला करें। और प्यारा सा मुझे कमेंट आपने भेजना है, फीडबैक दिया करें, आप जो भी रेसिपी बनाते हैं अगर कोई फरमाइश हो तो वो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं। उसको जस्ट भी इसी तरह जो है ना
पाँच मिनट तक मैं मैरी से लेकर कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा जो उसके अंदर पानी है टमाटरों का वो भी ड्राई हो जाए और हमारे जो जो वेजीज है ना वो भी इसके अंदर सेट हो जाए। बहुत मज़े के लिए हमारी जमी जो है ये हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे। अब इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको डिशोट करती हूँ जी, आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूँ।